प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद भले ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई हो, लेकिन ईवीएम मशीनों को अभी भी मतगणना स्थल पर ही 45 दिनों के लिए सील बंद कर रखा गया है। ईवीएम मशीन में किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो और कोई इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में दायर करता है तो ईवीएम को सबूत के तौर पर सुरक्षित सील बंद कर रखा गया है। जिला कलेक्टर छवि भारद्वाज का कहना है कि मतगणना के बाद 45 दिनों के अंदर कोई मतदान या फिर मतगणना की प्रक्रिया से संबंध में इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में दायर करता है। इलेक्शन पिटीशन भरने के लिए 45 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। 45 दिनों के उपरांत यह सूचित कर दिया जाता है कि कितने मतदान केंद्रों के संबंध में कोई आपत्ति आई। आपत्ति आने वाले ईवीएम मशीनों को अलग रख दिया जाता है ताकि भविष्य में उन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जा सके और बाकी बची हुई ईवीएम मशीनों को दूसरे चुनावों के लिए उपयोग किया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम में ही बंद करके वापस सील करके रखी गई हैं। उनके रिजल्ट सेक्शन को सील किया गया है ताकि उनसे टैम्परिंग ना की जा सके और सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स और ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में उसे देर रात को सील किया गया था मतगणना दिवस पर। 45 दिन तक ये अभी इसी स्थिति में रहेंगे क्योंकि 45 दिन की अवधि में इलेक्शन पिटीशन अगर कोई हाईकोर्ट जाता है मतदान या फिर मतगणना के परिणामों के प्रक्रिया के संबंध में तो इलेक्शन पिटीशन के लिए निर्धारित समय सीमा 45 दिन रहती है। 45 दिन के उपरांत जो हमें सूची मिल जाएगी कि कुल कितने मतदान केंद्रों के संबंध में आपत्तियां आई हैं उनकी ईवीएम यथावत अलग कर दी जाएंगी भविष्य में एविडेंस के दृष्टि से और बाकी जो ईवीएम रहेंगी उनकी फिर FLC करने के उपरांत फिर से उनको लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाएगा।